अपने गेस्ट कीजिए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कढ़ाई पनीर। घर में कैसे रेस्टोरेंट टाइप का कढ़ाई पनीर बनाते हैं ये आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं कढ़ाई पनीर। आप घर में जरूर ट्राई कीजिए कढ़ाई पनीर बनाने का सबसे आसान तरीका। या आप पराठे के साथ, नान के साथ, जीरा राइस के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। चलिए देख लेते हैं मेरे इस वीडियो में कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं। और अगर आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए देखते हैं कढ़ाई पनीर कैसे। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया 200 ग्राम पनीर। इधर मैंने एक बड़ा साइज का कैप्सिकम क्यूब में कट के रखा और इधर मैंने हाफ प्याज क्यूब में कट के रखा और इधर एक प्याज बारीक कटा हुआ। इधर मैंने 3-4 हरी मिर्च ले ली और इधर मैंने 10-12 काजू ले लिया। इधर थोड़ा सा कसूरी मेथी, अदरक लहसुन का पेस्ट और इधर मैंने 2 बड़ा साइज के टमाटर कट के रखा। अभी मैं टमाटर, हरी मिर्च और काजू को ब्लेंडर में पीस लूंगी बारीक। पनीर में मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करती हूँ। अभी इसको चम्मच से अच्छे से मैरिनेट कर लेती हूँ। गैस पे मैंने तवा रख दिया और अभी इसमें मैं ऑयल ऐड करी। मेरा ऑयल भी गर्म हो गया, अभी मैं जो पनीर मैरिनेट करके रखा वो डाल देती हूँ। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। इसको दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। देखिए एक साइड से गोल्डन ब्राउन आ गया, अभी मैं दूसरे साइड को भी पलट देती हूँ। दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अब देख सकते हैं मेरा पनीर फ्राई हो गया अच्छे से, इसका कलर भी चेंज हो गया। अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। सेम ऑयल में मैं कैप्सिकम को भी फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा सॉटी कर लेती हूँ ताकि उसका कच्चापन जो है वो चला जाए। हल्का फ्राई कर दूँ। देखिए मेरा कैप्सिकम भी अच्छे से फ्राई हो गया, अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। कटा हुआ रखा था वो भी हल्का फ्राई कर लेती हूँ ताकि प्याज का भी कच्चापन चला जाए और हल्का फ्राई हो जाए। देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया, अभी मैं इसको भी उठा लेती हूँ। सेम तवा में मैं थोड़ा ऑयल डाल ली हूँ और अभी इसमें 1 तेजपत्ता और 1 चम्मच जीरा डाल ली। कटा बारीक कटा हुआ प्याज था वो डाल दीजिए, इसको अच्छे से मिला लीजिए। देखिए प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो गया, अभी मैं इसमें जो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो डाल दीजिए। देखिए मेरा अदरक लहसुन भी प्याज के साथ अच्छे से फ्राई हो गया। अभी मैं जो ब्लेंड किया हुआ था टमाटर, काजू और हरी मिर्च वो डाल दीजिए। अभी मैं इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल दी। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, आप जितना खाने में पसंद करते हो। अभी मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक इसका ऑयल ना छोड़ दे मसाले से। मैंने ढक्कन लगा दिया और इसका मैं फ्लेम मीडियम में रखूंगी और इसको 5 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाऊंगी ताकि मसाला अच्छे से भुन जाए और इससे ऑयल निकल जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गया, अभी मैं ढक्कन हटा लेती हूँ और आप देख सकते हैं
देख सकते हैं मेरे मसाला से अच्छे से ऑयल निकल रहा है। अभी मैं इसमें हाफ ग्लास पानी ऐड करी। आप देख सकते हैं पानी भी मिक्स कर लिया मसाले के साथ और इसमें बॉयल भी आ रहा है। अभी मैं इसमें जो फ्राई किया हुआ कैप्सिकम और प्याज था वो डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ। अभी मैं इसको ढक दूंगी, ढक के पकाऊंगी 5 मिनट के लिए और फ्लेम मीडियम रखूंगी। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गए, अभी मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। मेरे कैप्सिकम और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए, मेरा मसाला का बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। अभी मैं इसमें कसूरी मेथी डाल देती हूँ फ्राई किया हुआ था वो लास्ट में डाल देती हूँ, इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। देख रहे हैं ना, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी बहुत टेस्टी। इसका गरम गरम नान के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ या जीरा राइस के साथ खा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए अभी मैं इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि पनीर में सारा मसाला पनीर के अंदर चला जाए। 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में रख के मैं इसको ढक के पकाऊंगी। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया, मेरा पनीर के अंदर मसाला भी अच्छे से अंदर चला गया, जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा है। और इसके अंदर मैं अभी इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड कर देती हूँ, इसको मिक्स कर लेती हूँ। और लास्ट में इसके ऊपर 1 चम्मच बटर डाल देती हूँ और गैस को बंद कर देती हूँ। देखिए हो गया मेरा कढ़ाई पनीर बन के रेडी। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया कढ़ाई पनीर, लग रहा है ना देखने में कितना डिलीशियस, ये खाने में भी इतना ही टेस्टी है जितना आप देख रहे हैं। आप लोगों को देखकर शायद मुंह में पानी आ रहा होगा। मेरा कढ़ाई पनीर बन के रेडी है। अगर आप लोगों को मेरा इस वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, लाइक भी कीजिए और घर में जरूर ट्राई कीजिए कढ़ाई पनीर, रेस्टोरेंट टाइप का कढ़ाई पनीर कैसे बनाते हैं। कढ़ाई पनीर बनके